काम करना चाहती है। हम इस मुल्क के शहरियों से भी अपील करते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, हम इस मुल्क के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े रहना है, और जो भी इनसे छेड़छाड़ की कोशिश करेगा हम उनको माकूल जवाब देने की कुव्वत रखते हैं जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। हम उस कुव्वत के साथ सड़क पर उतरकर अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन फासिस्ट ताकतों को दिखा देंगे कि ये इस तरह की तानाशाही इस मुल्क में नहीं चला सकते। आपने दिखा दिया है इस बिल के 24 घंटे के अंदर इस जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर इस तादाद के साथ कि हम लोग किसी भी लेवल पर इस सरकार का विरोध करेंगे। और एसडीपीआई की मैं दाद देता हूं कि आज पूरे मुल्क में सैकड़ों जगह पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट उसने जो किया है, ये इस मुल्क में एक इनकलाब की शुरुआत है। और अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई के साथ पॉपुलर फ्रंट भी हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम लोग खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं यहां तक भी कहना चाहता हूं कि ये तादाद जो आई है वो काफी है, लेकिन जिस दिन हजारों और लाखों की तादाद में हमें निकलना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ, तो हम लाखों की तादाद में भी इस मुल्क के अंदर निकलकर इस सरकार की मुखालिफत करने के लिए तैयार हैं। हम लोग बेखौफ होकर इस मुल्क के अंदर खौफ के सौदागरों को माकूल जवाब देंगे इंशाल्लाह। साथियों, आज इस मौके पर वो देखो सब ले रहे हैं, हम सब लोग यहाँ जमा होकर इस बिल की पुरजोर मुखालफत करेंगे, और यहाँ से जाकर घर घर जाकर इस बिल के मुखालफत में लोगों को तैयार करने के लिए एक पक्की मुहिम चलाएंगे। और जब तक ये सरकार ये बिल वापस नहीं ले लेती तब तक इस बिल के खिलाफ हम लोग धरने प्रदर्शन या जो भी इस संविधान में हमारे हमारे अधिकार है उनको इस्तेमाल करते हुए इस बिल की मुखालफत हम लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह। आज आपने यहाँ बुलाकर मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं एसडीपीआई का आभार जताता हूँ। और अपनी बात खत्म करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि जब जब भी जरूरत पड़ी इस मुल्क को तो खून हमने दिया, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो इस मुल्क के लिए हम सब लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।